Hey guys, तो कैसे हो मित्र करो, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज का सीन कुछ ऐसा है कि आपने भोकाल सीरीज तो देखी होगी जिसमें सीजन वन सीजन टू दोनों हैं। तो गाइज उसमें देड़ा ब्रदर्स हैं जिनमें से एक का नाम है गुर्जन, आप सब जानते ही होंगे, तो जिनका रियलिटी में नाम है राहुल बैसला। तो गाइज आज हम उनसे मिलने आए हैं यहाँ मंडी हाउस में, दिल्ली वालों को पता ही होगा कि कहाँ पे है। और मैं अकेला नहीं आया हूँ हर बार की तरह, मेरा मित्र, मेरा स्कूल का दोस्त मेरे साथ आया है, ये रहा। कैसे हो आप सब, है ना? तो इसके साथ आया हूँ मैं हर बार की तरह ही, जैसे भी सीन है ना। तो बस अभी हम SRC आए हैं, है भाई SRC है ना, SRC मंडी हाउस। हाँ, SRC मंडी हाउस, जहाँ पे थिएटर वगैरह होता है, मतलब एक्टिंग की क्लासेस होती हैं। तो अब बस यहाँ आए हैं, जैसे ही राहुल सर आ जाएंगे फिर आपको मतलब बातचीत करेंगे तो आपको दिखाएंगे ज़रूर, ठीक है ना? तो चलो मिलते हैं फिर अभी थोड़ी देर में, बाय। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि राहुल बैसला सर आ चुके हैं यहाँ पे, और इसके पास अभी कॉल आया उनका, तो ये बात कर रहा है सर से। गुर्जन भाई आ चुके हैं और वो ये रहे हमारे साथ। अब हम यार दो भाई पिछले काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे थे कि यार राहुल सर मिल लो, मैंने कहा चल यार भाई टाइम निकालता हूँ आप लोगों के लिए, तो फाइनली आज हम मिल लिए हैं और अच्छा लगा इन भाई से मिल के, बहुत अच्छे हैं लोग, सर भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा लगा सर से मिल के। और सर आप अपना एक्सपीरियंस बताओ क्या सर आप मतलब। यार भोकाल का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें सीखनी है मुझे, बहुत सी चीज़ें सीखनी है अभी मुझे। वहाँ जो भी सीनियर थे मेरे, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो डायरेक्टर सर हों, चाहे प्रोड्यूसर सर हों, उन लोगों ने मुझे काफ़ी हद तक सपोर्ट किया, और जस्ट लाइक ए छोटा भाई या छोटे बच्चे की तरह मुझे ट्रीट किया गया है ऑन द सेट। तो मैंने बहुत इन्जॉय किया और इन्जॉय से काम किया। सर डायलॉग एक बार फिर से हो जाए। डायलॉग हाँ जी वही वाला सर, करो तो बीप के साथ या विदाउट बीप के साथ? नहीं सर विदाउट बीप के साथ। यार एक मेरा डायलॉग मुझे जो सबसे अच्छा लगा था उसमें, मतलब अच्छे तो मेरे खैर सारे डायलॉग जो मुझे दिए गए हैं मैंने अच्छे खूबी निभाया है उन्हें, पर एक होता है ना एक क्लिक करती है कि यार ये डायलॉग मुझे अच्छा लगा, उसमें डायलॉग एक सर एक बार वो एक्सीडेंट दिखा दो जो आप ऐसे करते हो उसमें, बताने के लिए उस बंदे को कि भाग जा। अच्छा उस वे में चाहिए तुम्हें, बहन होगी तेरी और मैं जीत जा, भाग जा भोसड़ी के नहीं गांड पे फोड़ दूँ खरबूजा। तो बहुत बढ़िया। यार बाइसेप्स खाएं, डाइट कर रही है मेरे भाई, सिक्स पैक की तैयारी कर रहा हूँ। सिक्स पैक के लिए सर मैं भी मतलब जिम जाता हूँ, आज जो ट्रेनर हैं उन्होंने जो एब्स की वो होता है ना वर्कआउट वो करवाया, वो मेरा थोड़े से भी, मैंने कहा भैया जा रहा हूँ मैं, मतलब बहुत ही हार्ड होता है हर चीज़। जो देखो मैं बताता हूँ, जो चीज़ बड़ी होती है ना, जो अट्रैक्शन वाली चीज़ें होती हैं बड़ी, उसमें मेहनत बहुत लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है नहीं हो सकती, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप मेहनत करोगे आपको तरीके से चीज़ें मिलेंगी, आप जितनी मेहनत करोगे आपको भगवान उतनी तरीके से देगा, तो अच्छे से करोगे अच्छा मिलेगा, कम करोगे कम मिलेगा, अब डिपेंड ऑन यू आपको कितना चाहिए। बाकी सर आपका कैसा रहा सपोर्ट, मतलब किस किसने आपको सपोर्ट करा सबसे ज़्यादा? नहीं ऐसा एक पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ मुझे जितने भी मतलब डायरेक्टर टीम थी, डायरेक्शन टीम, कॉस्ट्यूम टीम, प्रोड्यूसर और अपने सीनियर एक्टर प्रदीप भाई, पिंटू डेडा, सिद्धांत कपूर सर, चिंटू डेडा, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कहीं भी मैं थोड़ा बहुत नर्वस होता था किसी भी चीज़ को लेके, सीन को लेके, तो मतलब ऐसे पीछे एक ढाल होती है ना, ढाल, हाँ जी ढाल समझते हो ना, हाँ। वो मेरे ढाल की तरह खड़े हुए, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरा प्रोफेशनल माहौल के साथ साथ मुझे घर वाला माहौल मिल रहा है सर। बाकी प्रदीप सर से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अरे प्रदीप भाई तो माशाल्लाह यार, सच में सर ज़बरदस्त एक्टर भी हैं, ज़बरदस्त इंसान भी हैं प्रदीप भाई, और मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगा कि यार प्रदीप भाई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करें। हाँ सर आप भी करो, तैयारी कर रहा हूँ, पहुँच जाओगे ट्रिलियंस में तो आप ऐसे भी लोगे हमसे भाई? देखो
मुंबई आया करेंगे हम आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेन क्या होता है ना, इंसान के पास वक्त होना चाहिए। एक वक्त होता है कि वो अभी मेरे पास टाइम है कि मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ, कल मेरे पास टाइम होगा मैं फिर भी मिलूँगा, और नहीं भी होगा तो कोशिश करूँगा अपने दोस्तों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने फैंस के लिए टाइम निकालूँ, या ऑनलाइन आऊँ या लाइव आऊँ, लोगों से बात करूँ। आओगे ज़रूर? मैं आऊँगा ज़रूर, बात करने, लोगों से मिलने, उनके आंसर्स देने, मैं आऊँगा ज़रूर, पीछे नहीं हटूँगा। सर, आपकी फैमिली वालों का सपोर्ट कैसा था, फैमिली में सबका? मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है शुरू से ही, जब से मतलब मैं मॉडलिंग लाइन में था, तो मतलब मैं अगर कोई चीज़ें भूल जाता हूँ या मेरा कुछ किसी से कोई बात होती, तो मुझे वो इंक्रीज करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, आप करो, जाओ मिलो लोगों से, आप जितना लोगों से मिलोगे आप उतने ही आगे जाओगे। तो मेरी फैमिली मुझे शुरू से सपोर्ट करती है। मेरे बड़े भाई हैं जयबन सले, जो इस सीरीज़ के राइटर भी हैं, उन्होंने सारी लिखी हुई है डायलॉग वाले, वो मुझे पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उनका उनको पता है ना स्ट्रगल लाइफ क्या होती है। हाँ जी। तो उन्होंने वो मुझे मतलब मेरे भाई तो हैं ही वो बड़े, लेकिन मैं भाई से बढ़कर मानता हूँ। अब चाहे वो भगवान मान लो आप, चाहे वो बाप का समान मान लो आप, तो मुझे मेरे भाई इस दुनिया में सबसे प्यारे हैं, उनके बाद मैं किसी और को चाहूँगा। बाकी सर, आपके दोस्त भी मतलब कहते होंगे कि मान नहीं रहा है, देख बात करा दे। हाँ, मैं मतलब जब ये रिलीज़ हुई वोकल टू, हाँ जी, तो लोगों ने देखा, जिन्होंने देखा उन्होंने पहचाना, उन्होंने फ़ोन किया, मुबारकबाद दी। कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि जो सीज़न वन और सीज़न टू से पहले मेरे को ये बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू यहीं रहेगा, ये वो, अब वो सामने से मेरे को फ़ोन करके कहते हैं कि यार एक बार मैं वीडियो कॉल कर लूँ तेरे से, यार ये मेरे दोस्त मान नहीं रहे कि तू मेरा दोस्त है। मैंने कहा यार भाई कर ले, मैं कर रहा हूँ, फिर मैं उनको कॉल करता था। तो मुझे अच्छा लगता ये चीज़ें कि चल यार ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत तो प्रूफ किया अपने आप को, बाकी ज़िंदगी बहुत लंबी है। चाहते हैं और प्रूफ करो अपने आप को, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आगे भी करूँगा काम। बाकी सर ने अभी हमें चाय वगैरह नहीं पूछा, वो तो अभी हम चाय पियेंगे, नो डाउट अभी चाय पियेंगे। मैं तो चाय पीता नहीं हूँ यार, मीठे वीठे से चाय से मुझे नफरत है, मैं कॉफ़ी पीता हूँ यार, या तो ब्लैक कॉफ़ी या विदाउट शुगर कॉफ़ी। अभी तक मेरे साथ जितने दोस्त मिले थे मैंने सबको बोला, मैंने कहा प्रदीप भाई से मिलने चलेंगे, मतलब मैंने भी बोला था तो मना ही कर रहे थे, बोले अबे जा तू मिल के आएगा, जा चले जा। मैंने आज भी बोला, मतलब खूब बोला था ऐसे, लेकिन जब मिल के आ गए तो यूँ बोल रहे कि अबे भाई ले जाता हमें बोल देता, तू थोड़ा फोर्स तो करता है वो, तो भाई मैंने तो कहा था तुमने मना कर दिया। क्या होता है ना, ये दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, आपको पहले कोई नहीं आकलन करेगा आपके लिए। बाकी सर मेरे मामा जी है और एक मेरा छोटा भाई भी है। अच्छा, वो आपके उधर डायलॉग्स वगैरह जो आजकल यूट्यूब स्टेटस वगैरह आ रहे हैं, मेरे मामा ने तो आपकी पूरी वेब सीरीज देखी है, और मेरा छोटा भाई जो है वो मेरे से कहता है कि भैया जाओ तो मेरी वीडियो कॉल करवाना, मैंने ठीक है जरूर करवाऊंगा। अच्छा, ये गौरव है, ये गौरव है यार, ये भी मेरे साथ यहीं से। आ जाओ भाई, आप इधर आ जाओ। और ये भाई हैं, ये भी मेरे साथ ही क्लासेस लेते हैं, हम सब लोग थिएटर के हैं, थिएटर के बाद में अब हम एक स्टेप ऊपर गए हैं जिसको वर्कशॉप्स बोलते हैं हम। हाँ। इसके बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, कुछ दिन रह रहे हैं हम साथ में। 5 अप्रैल तक खाली, 5 अप्रैल तक साथ हैं, उसके बाद पता नहीं भाई कब मिलना है, मतलब कब मिलना हो वगैरह। बाकी सर अभी मतलब भोकाल सीरीज इतनी मतलब हिट हो गई है, उसके बाद भी सर अभी एक्टिंग सीखते हैं उस, अभी मैं एक दो प्रोजेक्ट और मेरे चल रहे हैं, लाइनअप में हैं, आने वाले हैं वो। अच्छा, उनके बाद भी सीखूंगा, सीखना पूरे टाइम पे लगा रहेगा, सीखने का दौर चलता रहेगा, जितना सीखूंगा उतना कम है मेरे लिए। बाकी सर मेरे को तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है यार, मुझे बहुत अच्छा लगा यार, आप लोग का वीडियो कॉल वगैरह पे इतना मजा नहीं आता, डायरेक्ट में मिलने आया सर से और रिप्लाई भी करा मैंने सर को, और सर ने मुझे रिप्लाई करा, सर ने मुझे रिप्लाई भी करा और खुद सर ने कॉल करा मेरे को कहा आ जाओ, और बाकी हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है मिलकर सर से। नहीं नहीं यार, आप लोग मेहनत कर रहे हो, कोई नई चीज़ स्टार्ट होती है तो उसमें ना थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन जब वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाती है और एक एक लाइन मिल जाती है, जैसे ना रेलगाड़ी जब तक नीचे चलती है तो बहुत स्लो स्लो स्लो, जैसे ही वो पटरी पर आती है वो स्पीड पकड़ने लगती है, तो इसी हिसाब से इंसान की ज़िंदगी होती है।
आप मेहनत करते रहते हो, एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको लगता है कि हाँ यार अब मैं चलने लगा हूँ, तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग भी, बड़ा मैं अप्रिशिएशन दूंगा इस चीज़ का। आप आगे भी बड़े एक्टर्स का इंटरव्यू लो, अभी तो हम छोटे एक्टर हैं। नहीं सर, हमारे लिए तो बहुत बड़े, हमारे लिए तो सर बहुत बड़े हो आप। यार आप लोगों का प्यार है, बड़प्पन है, यहाँ लोग सब आपको सीखने वाले मिलेंगे। जिसने ये सोच लिया कि मैं अब बहुत सीख चुका हूँ, वो स्टॉप हो जाएगा। शॉर्टकट है लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ नहीं है शॉर्टकट इस दुनिया में, और एक्टिंग लाइन में तो कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। आप जितना अपने आप को दिखाओगे दुनिया को, आप उतना ही आगे जाओगे, तो शॉर्टकट कुछ नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा राहुल भैया के बारे में ही, इनसे मुझे सबसे ज़्यादा एक मेन चीज़ यही सीखने को मिली है कि कभी भी खुद को परफेक्ट मत समझो, यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ एवरी टाइम। और खासकर इनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा नेचर मैंने जिंदगी में कभी किसी का नहीं देखा होगा। जो इनका नेचर है, मजाक वाला इंसान हूँ। हाँ। जब क्लासेस होती है तो थोड़ा सीरियस रहता हूँ, लेकिन बीच में भी आ जाती है थोड़ी ऐसी। मैं हमेशा सबसे बात करके खुश रहने वाला आदमी हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि वो जा रहा है, वो उसके पास है गाड़ी है तो उससे बात मत करो, वो बड़ा एक्टर है तो क्या हो गया अपने में। नहीं, सबकी इज्जत करता हूँ। सीनियर की इज्जत करोगे तो ऊपर वाला देखेगा। तो इज्जत करो, प्यार कमाओ, इस दुनिया में एक जीवन मिला है, उस जीवन को अच्छे से निभाओ। सर हम भी सोच रहे हैं, हम भी कुछ करें, मतलब थोड़ा ब्लॉग करोगे भाई? करोगे। बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी ब्लॉग चलेंगे आगे, बहुत अच्छा है, करते रहो। एक दिन कोई ना कोई बड़ा बंदा कहेगा कि यार तुम मेरा एक इंटरव्यू लो, 100% करेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। आपने कहा नहीं, बिल्कुल करते रहो यार, मेहनत करते रहो। दो छोटे भाई से ही हैं मेरे, भाई लगा लो इनको यार, बड़े मेहनती हैं यार। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे लोगों से, जो लोग मेहनत करते हैं, मैं बड़ा खुश होता हूँ ऐसे लोगों से मिलके कि यार हाँ, इन लोगों को अभी से ही अपने करियर की चिंता है। बाकी अभी हमें सर से मिलके बहुत ही अच्छा लगा, और अब देखो सर के जो गुरुजी हैं, हाँ, साहिल सर, साहिल भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं कसम से यार। मतलब या तो ये सोच लो कि यार मैं जिन इंसान से मिलता हूँ मुझे अच्छे ही मिलते हैं। मेरे साहिल सर बहुत अच्छे हैं, मैं भाई बोलता हूँ उनको, बड़ा सर नहीं बोलता मैं, क्योंकि सर कहने से ना मुझे परायापन सा लगता है, भाई बोलने से मुझे अपनापन लगता है, तो मैं भाई बोलता हूँ उनको, मेरे गुरु हैं सर। बाकी भोकाल सीरीज़ के बाद मतलब जब आप ऐसे बाहर बाहर निकले तो कुछ लोग मिले आपको? हाँ यार, काफ़ी, जैसे मॉल वगैरह में जाता हूँ, फैमिली के साथ जाता हूँ, या अभी मैं जहाँ जिम कर रहा हूँ वहाँ बहुत बड़ी जिम है, वो कल्ट फिट के नाम से है, वहाँ लोग स्टोरी हाँ फ़ोटो वगैरह डाली थी, तो वहाँ लोग पहचानते हैं, वो फ़ोटो क्लिक कराते कि यार हमें पता नहीं था कि आप ही हो, तो अच्छा लगता है यार। एक एक्टर को क्या चाहिए, एक्टर सिर्फ ना तारीफ़ का भूखा नहीं होता, वो प्यार का भूखा होता है, प्यार मिलना चाहिए। पैसा वैसा तो साला ज़िंदगी में कमा लेंगे यार, आज नहीं तो कल पैसा हो जाएगा, लेकिन प्यार का भूखा होता है एक्टर, प्यार ही चाहिए बस। बाकी सर अभी आप सबको मिलाएंगे, मैंने जब आपको बताया था अभी कुछ थोड़ी देर पहले, शायद वो वीडियो में था नहीं, मेरे 3-4 दोस्त हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे उनके साथ बैठ के, जैसे कि रविंदर भाई हैं एक हमारे, हाँ जी, एक अजय अम्बावता है, एक संदीप भाई हैं, एक हमारे तरुण चौधरी करके भाई हैं, ये चारों भाई हैं मेरे, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हमेशा मेरे को मतलब इंक्रीज करने वाली बातें करते हैं, जैसे कि यार तू कर सकता है यार, तेरे पास सब कुछ है, तू मेहनती आदमी है, तो मुझे उन चार लोग बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं हमेशा। बाकी अभी सर के गुरु आएंगे साहिल जी हैं, तो आपके उनसे बात कराएंगे, मिलवाएंगे मतलब, तो चलो अभी वीडियो को रोक रहे हैं। तो जो हम तो मिट्टी के बर्तन है सारे, जो हमारे कुम्हार है ना डंडे वाले, वो आने वाले हैं, उनसे मिला दूंगा। बाकी आप इनसे मिल सकते हो, आपका नाम? मेरा हैरी बसरा है, मैं विदाउट दाढ़ी अच्छा भी नहीं लगता। ये भाई यार मुझे मतलब भाई का एक मैंने ऑडिशन देखा यार, मैं वेंचर फैन हूँ इस बंदे का यार, अच्छा मजा बांध दिया। परसु आपका? अनम। और आपका? मेरा हैरी। एक बार ये वाला विदाउट दाढ़ी अच्छा लगता है, विदाउट दाढ़ी अच्छा नहीं लग रहा है। टैगलाइन बना ले तू अपनी। नहीं कुछ नहीं सर, बता रहे थे आपके बारे में कि मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो आप।
नहीं सपोर्ट तो खैर वो मेरी प्रवृत्ति में ही है, मतलब मेरे नेचर में, लेकिन सपोर्ट भी मैं उसी को करता हूँ जो बहुत मेहनती है। और अभी राहुल और मैं साथ में काम कर रहे हैं, अच्छा कुछ कैंपलाइट ट्रेनिंग वगैरह चल रही है। राहुल जो है मतलब ऑलरेडी ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर और इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, उनको सब लोग जानते हैं। तो राहुल को लगा कि कुछ चीज़ें जो बाकी हैं, जो कुछ अभी जो उसको लगता है नहीं भी होता तो भी काम करते करते आदमी सीख ही जाता है, उसको लगा कुछ मेरे वीकनेसेज हैं, मैं उसको और क्राफ्ट पे काम करना चाहता हूँ। तो इसी सिलसिले में राहुल मेरे पास आया और ऑलरेडी जो मेहनती है, जो ऑलरेडी टैलेंटेड है, जिसको समझ है, तो मेरा काम था सिर्फ थोड़ा सा गाइड करना, गाइड करके जो ऑलरेडी चीज़ें राहुल में वो एनहेंस होती जा रही है और बाहर उभर के और अच्छे से आ रही है। बाकी इंटरव्यू राहुल का है तो राहुल के बारे में यही कहूँगा कि मेरा कोई नहीं है, मेरे गुरु ये हैं, ठीक है। मैं मुंबई भी ज्वाइन करूँगा इनको, तो फिलहाल मैं इनका पैर पकड़े रखूँ। अभी हमारा साथ जो है वो जिंदगी भर का हो गया, जिंदगी भर का है। हम काम भी करेंगे एज ए प्रोफेशनल, हम काम भी साथ करेंगे। मतलब मुझे भी बड़ा मज़ा आता है जब ऑलरेडी कोई स्किल्ड एक्टर आता है मेरे पास कि कुछ जो मुझ में जो बाकी है या फिर कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक परिपक्व नहीं हो पाई है, पक नहीं पाई है, मतलब वो कुछ जो ड्रॉबैक्स जो एक्टर को लगते हैं, तो मुझे और मज़ा आता है। मैं फिर और इंटेंस ट्रेनिंग में जाता हूँ उसके साथ और उसको एडवांस लेवल पे और उसको पुश करके जितना जो बेस्ट है जो हम निकाल सकते हैं। तो बाकी बेस्ट विशेज हैं और इसका फ्यूचर आई एम श्योर ब्राइट है, इंडस्ट्री में तो ब्राइट फ्यूचर है फिल्म और वेब सीरीज में। भोकाल के बाद आपने देख ही लिया जी जी सर। बाकी सर तो डायलॉग में तो मजा ही आ गया आपके, अंधे घोड़े रेस में दौड़े और भाग जा, हाँ वो भी हाँ। भाग जा बस, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। मैंने देखी भोकाल और तब तक मुझे ऐसा मैंने काम देख लिया था और मुझे लगा ये इतना भीम का जैसा आदमी अच्छी एक्टिंग कैसे कर रहा है, क्योंकि ये पहलवान जैसा लग रहा था, तो मुझे लगा ये या तो ऐसा ही होगा या तो एक्टर नहीं होगा। तो फिर बाद में कोइंसिडेंटली इनमें से इनके किसी खास जानकार की क्वेरी आती है मेरे पास कि हमें ट्रेनिंग लेनी है। फिर मुझे इसने बताया कि इसने वेट गेन किया था उसके लिए और ये पहले से एक्टर है, काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कर चुका है। तो अच्छा लगा मुझे कि एक्टर ने मेहनत करके एक किरदार को बनाया और उसको अच्छे से किया। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। गाइस अब हम जा रहे थे सर साहब मिल लिए। ये देव है और ये पुलकित है, इनको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और चैनल को ना आगे भेज दो। ये बंदे बहुत मेहनती करते हैं, बच्चे हैं अभी से, इनको अपने करियर की टेंशन है, तो इनको सपोर्ट करो यार। बाकी इन लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और आई होप किसी बड़े प्रोजेक्ट के साथ दोबारा मिलूंगा इन लोगों के साथ में। बिल्कुल सर, हमें सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सर। चलो यार ठीक है, बाय। हाँ जी सर, चलिए यार। हे गाइस, तो जैसे कि आपने हमारा ये पूरा व्लॉग देखा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना इस वीडियो को, कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, सब्सक्राइब करके जाना इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और कुछ बोलना है जल्दी से, आप सबने प्रदीप नागरकर वाले ब्लॉग में आपने इतना प्यार दिया, ऐसे ही हमें अच्छे से और प्यार देते रहिए। 10 व्यूज होने वाले हैं उसके, बाकी और धमाका करेंगे हम धीरे धीरे और भोकाल मचाएंगे जब आपको दिखाएंगे। और गाइस अब आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और ऐसे में प्यार देते रहिए।